अब आते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कल मैंने थोड़ा सा सैंपल्स का बताया था। इसमें नॉर्मली होते हैं 7 तरह के हाथ। पहला होता है प्रारंभिक हाथ, दूसरा वर्गाकार हाथ, चमसाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, कलात्मक हाथ, आदर्शवादी हाथ और मिश्रित हाथ। तो शुरू करते हैं प्रारंभिक हाथ कैसा होता है। प्रारंभिक हाथ वाले लोग का दिखेगा आपको, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंड। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंड। इस प्रकार के हाथ देखो। हाँ, मतलब नेचर कैसा रहेगा सर, आप बता रहे हैं। यस, नेचर कैसा रहेगा। ओके, दिखेगा कैसा और नेचर कैसा रहेगा, दोनों। मतलब कैसे आप समझोगे कि ये प्रारंभिक हाथ है, उसका थ्योरी लिख लो, मैं सैंपल भी दिखा दूंगा। प्रारंभिक हाथ जो होते हैं अत्यंत भारी होते हैं, मोटा, थिकनेस, जो अभी हम लोग पफी हैंड देख रहे थे ना। लेकिन उनका हाथ जो है ना थोड़ा सा स्किन टोन, स्किन जो है वो रफ होता है, खुरदरा, शेप थोड़ा ज्यादा ही बिगड़ा हुआ, यानी ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये बाहर की ओर निकला रहेगा, यूं ऐसा। गठीला जॉइंट्स जो है, ये दोनों जो हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स है, ये थोड़े ज्यादा मोटे, लेकिन गैप नहीं दिखेगा, थिक लिखेगा, उंगलियां जो है मोटी दिखेंगी बहुत ज्यादा। नाखून छोटे होते हैं, दिखने में थोड़ा बेडॉल दिखेगा प्रारंभिक हाथ, बहुत सुंदर नहीं दिखता। अंगूठे का प्रथम पर्व भारी तथा चौकोर। प्रथम पर्व का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, ये जो जॉइंट है, जॉइंट के नीचे ये वाला पोर्शन जरूरत से ज्यादा चौड़ा दिखेगा, इसका थिकनेस बहुत ज्यादा होता है। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये अंगूठे का ये वाला पोर्शन जो है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इसके बाद मतलब इसका नेचर बताता हूं कि ऐसे हाथ वालों का नेचर क्या है। ऐसे लोग मानसिक, सॉरी सर, सर नेल्स क्या बताया था, नेल्स कैसे होते हैं, नाखून छोटे होते हैं, छोटे मतलब अंगूठा जब देखेंगे ना आप, तो ये आसपास का जो साइड का जो एरिया, ये मसल एरिया होगा ना, ये ज्यादा ही बड़ा लगेगा और नाखून जो है वो छोटे लगेंगे। ऐसे लोगों का मस्तिष्क कम विकसित होता है। तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं सर, ये तामसी प्रवृत्ति क्या होता है? तामसी प्रवृत्ति होता है जो लोग अपराधवश रहते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ गलत काम करने में हमेशा उनकी मेंटालिटी, दिमाग जो है गलत काम की ओर ज्यादा जाता है, किसी को मार के पैसा छीन लेना, हमेशा जो क्रिमिनल माइंडेड होता है ना, दैट इज कॉल्ड तामसिक प्रवृत्ति, डिस्ट्रक्टिव माइंडेड जिसको कहते हैं, डिस्ट्रॉय करना। धोखेबाज, मिथ्यावादी, क्रोधी, सर ये मिथ्यावादी, झूठ बोलना okay. क्रोधी मतलब गुस्सा करना बात बात पे, और लालची होते हैं, मतलब दूसरों का धन हड़पो, दूसरों की जमीन हड़पो, हड़पने वाला काम, ये सब तामसिक प्रवृत्ति में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इनका काम क्या होता है, चोर डाकू, सीधा स्ट्रेट चोर डाकू, ठीक है। कई लोग मजदूर भी होते हैं, ठेकेदार होते हैं, और जो आप देखेंगे जो लोग वो भट्टी में काम करने वाले लोग होते हैं ना, एकदम आग में भट्टी में, उनका हाथ भी ऐसे ही हो जाता है बेडॉल,
काम की वजह से हो, जैसे भी हो, वो हो जाता है वैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वर्गाकार हाथ, जो मैंने कल स्क्वायर करके दिखाया था। इसमें है, आप लिखिए कलाई के पास से लेकर, कलाई के पास से लेकर अंगूठे, सॉरी उंगलियों के अंतिम सिरे तक, यानी कलाई से पास से लेकर उंगलियों के अंतिम सिरे तक, यहां तक ये पूरा एरिया लंबाई चौड़ाई में एक सा दिखे, तो ऐसे हाथ को वर्गाकार हाथ कहते हैं। वर्गाकार हाथ की एक विशेषता क्या है वो देख लीजिए। जैसा ये दिखेगा ना, स्क्वायर हैंड जैसा दिखेगा ये वाला पोर्शन, ठीक उसी तरह उसके नाखून भी स्क्वायर दिखेंगे। ये वर्गाकार हाथ की स्पेशलिटी है, नाखून भी स्क्वायर, हथेली भी स्क्वायर। और वर्गाकार के हाथ में नॉर्मली जो दिखता है वो पिंकिश या वाइटिश जो स्किन होता है उन लोगों का, स्क्वायर वाले हाथ का पिंकिश या वाइटिश होता है उनका। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व लिखिए, मतलब किस नेचर के होते हैं। व्यवहारिक यानी डाउन टू अर्थ, तार्किक एवं प्रमाणिक यानी आर्ग्यूमेंटेटिव, और सबूत के साथ बात करने वाले, मैंने वेरी क्लियर, बहुत कोई भी उनके अंदर वो पेंच नहीं होता, तार्किक और प्रमाणिक। आदर्शवादी यानी प्रिंसिपल मानने वाला, अपने लाइफ को प्रिंसिपली, प्रिंसिपल के अनुसार अपनी लाइफ के प्रिंसिपल को फॉलो करता है अच्छे से। अंधविश्वास से दूर, परिश्रमी, लगनशील, धन कमाने में और बचाने में निपुण, कार्यकुशल, धैर्यवान, अध्ययनशील यानी सेल्फ स्टडी करते हैं, वो हमेशा अपने आप को अपडेट रखते हैं, कानून के ज्ञाता मतलब कानून जानने वाले, बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने वचन के पाबंद, समय का उपयोग और मौके का सही फायदा उठाना जानते हैं। समय का सदुपयोग, हाँ समय का सदुपयोग और मौके का सही फायदा उठाना जानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होती है, विद्या में मतलब किसी भी नॉलेज को गेन करने में ये एक्सपर्ट होते हैं, मतलब
ऐसा कह सकते हैं कि ये आजीवन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। काव्य यानी लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन कभी करियर नहीं बना पाते। इंटरेस्ट लेते हैं, नॉलेज अच्छा होता है, लेकिन करियर नहीं बनता। ये लोग शो ऑफ नहीं करते, ज्यादा दिखावा नहीं करते। किसी भी मैटर के गहराई तक जाते हैं, क्योंकि कानून के ज्ञाता होते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिव भी होते हैं। मतलब वो किसी की बात पे यूं ही भरोसा नहीं करते, पूरी जांच करते हैं। उसके बाद बाल की खाल निकालना, काइंड ऑफ कह सकते हैं, बाल की खाल निकालना। जांच करके ही बात पर विश्वास करते हैं, राइट? यस, किसी बात पे यूं ही विश्वास नहीं करते। उनको हमेशा हर चीज लॉजिकली चाहिए। दे आर वेरी लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। नॉर्मली ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो गए, डिटेक्टिव्स, व्यापारी, जो लोग पर्टिकुलरली बहुत छोटी चीजों का, मतलब जैसे डायमंड का व्यापारी हो गया, टेक्नोलॉजी का व्यापारी हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी खरीदना बेचना, ये वो हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं। सर, पुलिस वाले के बाद आपने एक कोई और भी बोला था। पुलिस वालों के बाद बोला था व्यवसायी, बिजनेसमैन, वैसे बिजनेसमैन जो हर चीज में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और पुलिस वाले डिटेक्टिव और बिजनेसमैन, राइट? अब आते हैं चमशाकार हाथ। चमशाकार मतलब जिसका ऊपर टॉप में ऐसा गोल हो जाता है वैसा। स्पून लाइक फिंगर्स। चमशाकार और वर्गाकार में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा फर्क आता है। बहुत सारे हाथ ऐसे दिखेंगे आपको कि ये वाला पोर्शन वर्गाकार है, मतलब स्क्वायर भी है, और ये चमशाकार भी है, दोनों वाले, ठीक है? और कई हाथ ऐसे भी दिखेंगे कि ये वर्गाकार नहीं है, नॉर्मल हाथ है, और यहाँ पर जो है पॉइंट, जो है ऊपर वाला पोर्शन, ये चम्मच की तरह ज्यादा चौड़ा है। तो चमशाकार, उसके चमशाकार किस तरह का दिखता है वो लिखिए, चमशाकार हाथ। चमशाकार हाथ का जो अग्रभाग यानी सबसे ऊपर जो होता है ना, उंगलियों का सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये चौड़ाई लिए रहता है, चौड़ा, चम्मच की भांति दिखता है। हाथ थोड़ा कठोर होता है। उंगलियां एक समान होती हैं, उनकी गांठें मोटी नहीं होती, एक समान होती उंगलियां, मतलब ऊपर वाला पोर्शन चौड़ा होता है, बाकी नीचे की जो, नीचे का जो पोर्शन है ये एक समान होता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व अब लिखना है, मतलब उसका नेचर। ऐसे लोग उद्यमी यानी मेहनत करने वाले, घूमने वाले, देशाटन यानी बहुत सारे देशों में घूमने वाले, इनको टूर करना बड़ा पसंद आता है। ठीक है, ऐसे लोग एडवेंचरस भी होते हैं,
जैसे रॉक क्लाइंबिंग करना, रिवर राफ्टिंग करना, मतलब फील्ड वर्क में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं बहुत। रिवॉल्यूशनरी होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा निकालना, कुछ ना कुछ ऐसा आविष्कार करना जिससे बहुत बड़ा चेंज आ जाए। आविष्कारक ऐसे लोग पैसा भी खूब कमाते हैं, बहुत पैसा होता है इनके पास। ये अलग बात है वो रख नहीं पाते, बिकॉज कल मैंने बताया था चमसाकार हाथ वाले थोड़े से व्यसन के शिकार होता है, नशा हो जाता है किसी ऐसी चीज का जिसके चक्कर में उनका पैसा निकल जाता है। और अगर यही चीज जैसे चमचाकार हाथ है लेकिन लंबाई जो है, मतलब उंगली की लंबाई जो है वो थोड़ी छोटी है, तो ऐसे लोग जो है ना दस्तकार होते हैं, जो छोटे छोटे काम करने वाले, जो आप कैसे बोलो दस्तकार को क्या बोलते हैं उसको, स्कल्पचर्स या कढ़ाई बुनाई का काम करने वाला। अगर चमसाकार के साथ साथ हाथ बहुत ज्यादा हार्ड दिखा, उंगलियां चमसाकार है लेकिन हाथ बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ऐसे व्यक्ति क्रांतिकारी तानाशाह, अपनी बात के अलावा किसी की बात नहीं सुननी। ऐसे लोगों का प्रोफेशन क्या क्या हो सकता है सर? स्पून शेप फिंगर्स के साथ कैसा हाथ है ये? हार्ड कठोर। तानाशाह मतलब अपने ही मन की बात सुनना, किसी और को कोई वैल्यू ना देना। ऐसे लोगों का प्रोफेशन जैसे इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ठीक है, इस तरह के लोग जो सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, किसी और की बात नहीं सुनते। अब नेक्स्ट जो आता है दार्शनिक हाथ, फिलोसोफर हैंड। ऐसे लोगों का हाथ सामान्यतः लंबा होता है, पॉइंटेड, लंबाई में ज्यादा, चौड़ाई में कम, चौड़ाई ज्यादा नहीं होती है, लंबाई ज्यादा होता है। उंगलियां और नाखून दोनों ही लंबे होते हैं। और गांठों में चौड़ाई, मतलब सिर्फ इसमें जो ये गांठे हैं ना, ये मिडिल वाले, स्पेशली मिडिल वाले गांठ जो है, ये वाला जॉइंट्स, ये जरूरत से ज्यादा थोड़ा चौड़ा दिखता है। और हाथ जो है सॉफ्ट होता है, नॉर्मली दार्शनिक हाथ, मैक्सिमम मैंने जो दार्शनिक हाथ देखे हैं वो सॉफ्ट होता है। ऐसे लोग, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? इनका व्यक्तित्व होता है विद्वान, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी जिसको कहते हैं, अंतर्मुखी। ऐसे लोग एकांत प्रिय यानी लोनली रहना पसंद करते हैं, कलाकार होते हैं, साहित्यकार, धर्मात्मा। सर 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 आपने विद्वान, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी लिखवाया था ना? हाँ, आपने विद्वान, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, अंतर्मुखी, धैर्यवान, हाँ जी, एकांत प्रिय यानी अकेले रहना, इसके बाद कलाकार, साहित्यकार यानी जो लोग लिटरेचर में रहते हैं, जो लिखते हैं बहुत ज्यादा, इसके बाद लिखिए धर्मात्मा,
धर्मात्मा यानी धर्म में रहने वाले लोग, अपने धर्म की पुष्टि या धर्म के प्रति बहुत ज्यादा इनको आस्था रहती है। स्वतंत्र विचार वाले, ओपन माइंडनेस, काइंड हार्टेड, दयालु, परोपकारी यानी दूसरों को हेल्प करना, निडर यानी कोई भी इनको डर नहीं होता, ये बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए न्यूट्रल होते, बहुत न्यूट्रल टाइप, किसी के साथ कोई लगाव नहीं, बहुत शांत रहना और शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत शांत। ऐसे लोगों का प्रोफेशन नॉर्मली जैसा कि लिटरेचर होता है, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, या संत महात्माओं के हाथ भी ऐसे होते हैं, दार्शनिक हाथ, सेंट, प्रीस्ट, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, बस इसमें इतना ही लिखिए, क्योंकि आपको फिलोसॉफिकल हैंड, मतलब कैसे बताऊं आपको, मोस्टली आपको फिलोसॉफिकल हैंड वाले क्या पूछने के लिए आएंगे कि सर मुझे मुक्ति मिल सकती है, उनका सवाल यही रहेगा सर मुक्ति कैसे मिलेगी। ठीक है, वर्गाकार हाथ वाले पूछने आएंगे सर पैसा कैसे आएगा, ये विशेषता है कि वो मतलब ऐसे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हैंड है कलात्मक हाथ, कलात्मक है, उसके बाद है आदर्शवादी, दो है और मिश्रित हाथ, तीन है। कलात्मक हाथ ऐसे लोग, ऐसे हाथों की बनावट नर्म होती है, लंबाई ज्यादा होती है, मतलब हथेली से उंगलियों की लंबाई ज्यादा होती है और ये पॉइंटेड होता है, बिल्कुल जब वो हाथ मिलाते हैं ना तो ये बिल्कुल पॉइंटेड दिखेगा ऐसा। उंगलियां अंतिम सिरे में जाके नुकीली हो जाती है, पॉइंटेड फिंगर्स विल बी पॉइंटेड, या पॉइंटेड फिंगर, उंगलियां पतली भी होती हैं, हाथ सुंदर और लचीला होता है, ठीक है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व क्या है, ये ऐसे लोग थोड़े से ना वो होते हैं, इनका नर्वस डिसऑर्डर होता है, नर्वस होते हैं ऐसे लोग, आराम पसंद होते हैं, जल्दबाज, तो नर्वस टेम्परामेंट वाले, हाँ नर्वस, वीक नर्वस सिस्टम, क्रिएटिव, हाईली क्रिएटिव, जल्दबाज लिखा आप लोगों ने, जल्दबाज, हाँ जी ओके, और आराम भी पसंद करते हैं, आराम भी पसंद करते हैं, मतलब इनका बेसिकली आप समझ के चलो कि इनका नेचर ना बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी कहते हैं कि मैं आराम करूंगा, कभी कहते हैं कि नहीं मैं भागने जाऊंगा, कभी कहते हैं कि मुझे अपना फिगर मेंटेन करना है, कभी कहते हैं यार कुछ भी खा लो, ठीक है, इनका बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव नेचर सर, एग्जैक्टली इनडिसाइसिव, रेस्टलेस, हाँ कुछ कुछ समय के लिए वो रेस्टलेस होते हैं, हमेशा नहीं होते, जब काम नहीं होता तो पड़े रहते कहीं भी आलसी की तरह। हाईली नॉलेजेबल, नॉलेज इनको अच्छी होती है, बट अपनी शिक्षा कंप्लीट नहीं करते, बीच में छोड़ देते, बट नॉलेज के हिसाब से एक्यूरेट रहते हैं, बिल्कुल उनके पास कोई भी चीज पूछो वो बता सकते हैं, लेकिन डिग्री की बात करें तो वो नहीं लेते। ऐसे लोग अक्सर देखे जाएंगे आपको काफी
पर्सनालिटी उन लोगों की बहुत आकर्षित रहती है, मतलब कि लोगों को आकर्षण करने वाला। सर इनकी शिक्षा कभी भी पूरी नहीं होती, या मतलब इन केस में मतलब मैक्सिमम केसेस में पूरी नहीं होती? मैक्सिमम केसेस में पूरी नहीं होती, कुछ कुछ केसेस में लोग पढ़ते हैं लेकिन दिल लगा के नहीं पढ़ते, पास होना है बस इतना ही पढ़ते हैं। सर एक्टर एक्ट्रेसेस भी हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल, आर्टिस्ट में सब, ऑल एक्टर एक्ट्रेसेस हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, म्यूजिक कंपोजर हो, सिंगर्स हो, ऑल डांसर्स हो, जो लोग ड्राइंग करते हैं वो हो, पेंटर्स, ऑल। और गलती से भी अगर ऐसा हाथ दिखा जो कलात्मक दिख रहा है बट उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं, मतलब इधर से इधर या इधर से इधर कोई भी उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो ऐसा आदमी या फीमेल या मेल दोनों में से कोई भी हो नशे की आदि होते हैं, अडिक्टिव, किसी एक चीज का उनका नशा होगा ही। प्रोफेशन जो आपने सबने अभी बोला, एक्टर्स, सिंगर, म्यूजिशियंस, ये सारा प्रोफेशन जो भी आता है, एंटरटेनमेंट का, क्रिएटिविटी का, जो सारा प्रोफेशन इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट हाथ आता है आदर्शवादी हाथ। जो सबसे बेस्ट, सबसे व्यवहारिक, सबसे सही हाथ होता है, जो मैंने कल एक सैंपल दिखाया था आप लोगों को, तो बेस्ट आदर्शवादी हाथ का वो सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। सर आप प्लीज दोबारा दिखा सकते हैं, कल हमने मिस कर दिया। ओके ओके, अभी मैं एक मिनट दिखाता हूँ। मोस्ट ब्यूटिफुल हैंड, इसको आदर्शवादी हाथ कह सकते हैं। अब इसके बारे में क्या लिखा है वो लिख लो, आदर्शवादी है, आदर्शवादी हाथ डैश प्रिंसिपल हैंड। यस, प्रिंसिपल हैंड, दिखने में सुंदर, सुडौल, सुडौल मींस डेलिकेट ना? नहीं, सुडौल मींस वेल इन शेप। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिस्टिक हैंड, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइडियलिस्टिक हैंड। सुडौल मतलब वेल इन शेप। देखो ये हाथ जो सामने दिख रहा है वेल इन शेप है, बिल्कुल खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, त्वचा मुलायम, गुलाबी रंग, उंगलियां सुंदर, नाखून का जो रंग है वो बादामी होगा, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड्स ऑन द हैंड, वो हमेशा बादामी फिक्स होता है ऐसा नहीं है, नाखून इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। तो नॉर्मली आदर्शवादी हाथ का जो नाखून होता है वो अच्छा होता है, नॉर्मल दिखता है, बहुत अच्छा, मतलब खूबसूरत दिखता है। उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी नहीं और बहुत ज्यादा छोटी नहीं, बिल्कुल बादामी से मतलब शेप ऑफ द नेल, बादामी से मतलब शेप ऑफ द नेल नहीं, बादामी मतलब बादामी रंग का कलर, कलर राइट, ठीक है। हाथ जो है एकदम जिसको कहते हैं ना मक्खन की तरह सॉफ्ट दिखता है, चिकना, मुलायम, पारदर्शी, मतलब स्किन भी उसका वैसे ही होगा, ट्रांसपेरेंट टाइप दिखेगा, बहुत ज्यादा मतलब जैसे नहीं कि जैसे आपको ये हाथ दिख रहा है इसमें नसें भी दिख रही हैं। यहाँ पर शुक्र के पर्वत में दो तीन नसें यहाँ पर दिख रही हैं, इस जगह पर यहाँ पर नसें दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक नस दिख रहा है। तो ये लोग, इनका स्किन इतना पतला होता है ना कि ट्रांसपेरेंट लगता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व मतलब नेचर,
ऐसे लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट, मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव कह सकते हैं। इनके पास नॉलेज होते हुए भी ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं कर पाते, इमोशनल होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, सत्यवादी, सच बोलना, परोपकारी, दूसरों को हेल्प करना, और मैनेजमेंट, मतलब किसी चीज को मैनेज करने में वो एक्सपर्ट होते हैं, मैनेज, अच्छे मैनेजर्स होते हैं। ईमानदार, मिलनसार, हाईली स्पिरिचुअल, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग थोड़े से डम भी होते हैं, मतलब दे आर नॉट प्रैक्टिकल, थोड़े से डम भी होते हैं। ये थोड़े से आलसी भी होते हैं क्या? कह सकते हैं थोड़े से आलसी, थोड़े से। हाँ, मतलब इनका इनका स्वभाव, इनका स्वभाव कैसा होता है ना, ये जिनके साथ जाते हैं वैसे बन जाते, वही वैसे बन जाते, बिकॉज जो ये हाथ है ये मेरा देखा हुआ है इस टाइप का एक हाथ, तो मैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, हाँ, थोड़े हाँ, से आलसी होते हैं, आलसी होते हैं ऐसे लोग, ईमानदार होते हैं, इस वजह से अक्सर देखा जाता है कि इन लोगों के पास धन रहता नहीं है, धन के मामले में बहुत मतलब एवरेज रहते हैं। ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन होता है, सोशल रिफॉर्मर, ऑनेस्ट ऑफिसर, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए, ज्योतिष और अध्यापक यानी सिखाना, टीचिंग, ऐसे लोग पैसे से ज्यादा ज्ञान को वैल्यू देते हैं, जाते हैं मिश्रित में, मिश्रित हाथ, लास्ट का कौन सा हाथ सर? मिश्रित, मिक्स हैंड। और इसको इंग्लिश में, रुक जाइए, इंग्लिश भी बुक है मेरे पास, मैं एग्जैक्टली अच्छे से आपको, हाँ, एलिमेंट्री हैंड और मिक्स हैंड। इस हाथ में मिले जुले लक्षण है, मतलब छो हाथ के अलग अलग छोटे छोटे क्वालिटीज दिखेंगे मिश्रित हाथ में। मिले जुले लक्षणों वाला हाथ होता है, पर्वत सामान्यतः दूसरे स्थान पर खिसके रहते हैं। ये मेरे, मुझे नहीं दिखा, बुक में ऐसा लिखा है बट मुझे नहीं दिखा ऐसा कभी भी कि खिसके हुए रहते हैं। प्रारंभिक हाथ का सबसे नोटेबल चीज जो वो देखने वाली चीज होती है कि यहाँ से जो है ना, देखिए ये फिंगर है ना, इस जॉइंट के नीचे वाला जो ये वाला बोन होता है, ये वाला बोन अगर आप साइड से देखेंगे ना तो जरूरत से ज्यादा ये उठा हुआ रहता है मिश्रित हाथ में। हाँ जी। अब ये फिंगर है ना जैसे, तो ये वाला जॉइंट है, इसके नीचे वाला ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से जैसे ना थिकनेस ज्यादा हो गया, जैसे ये बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा ऐसा, जिसको हम जनरली थर्ड पोरवा कहते हैं ना। हाँ, पोरवा बोला जाता है। बाकी और क्वालिटीज जो है वो बाकी जो छह अलग अलग हाथ मैंने जो दिखाए बताए आपको, उनसे कुछ ना कुछ गुण मिलते होंगे, ठीक है, कभी पांच वाले गुण मिलेंगे, कभी देखो सीधा सीधा ये समझ लो कि जो छह
गुणों वाले आपको कहीं भी किसी तरह से मैच नहीं हो रहा है और किसी हाथ को देखकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, दैट इज मिश्रित हाथ। ओके, इतना कंफ्यूज मत होना, मिश्रित हाथ देख लिया था पता लगा पता नहीं ये कौन सा ही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि आप मैच नहीं कर पा रहे हो, ये छह में से छह का कोई भी गुण नहीं मैच हो रहा, तो ये मिश्रित हाथ है। ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं। सर बुद्धिजीवी मींस इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, ओपन माइंडेड, टैलेंटेड, कोई ना कोई टैलेंट होता है इनके अंदर। बहुत ज्यादा फ्रेंडली, लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं जल्दी। उदारवादी, हेल्पफुल, दूसरों को हेल्प करना। बहुत स्थिर प्रकृति, यानी बहुत शांत स्वभाव रहता है, कूल रहते हैं हमेशा, कभी हाइपर नहीं होते, आप कभी भी उनको हाइपर होते हुए नहीं देखेंगे। मिश्रित हाथ वाला आदमी बहुत शांत रहता है। इन लोगों के पूरे सातों हाथ में एक ही, इसी हाथ में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि इन लोगों का जो वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ इज नॉट गुड। एक्सेप्शनल में एक दो है ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इज नॉट गुड। ऐसे लोगों में देखा जाता है अक्सर कि ऐसे लोग पठन पाठन, लेखन, मतलब कि स्वाध्याय, अपने खुद पढ़ाई करते हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ टॉटेड, वो खुद जानकार, या सेल्फ लर्नर, सेल्फ मेड मैन टाइप, वैसा कुछ काइंड ऑफ kind of, कह सकते हैं सेल्फ मेड मैन। बट इन लोगों को तो हम फाइनेंशियल उस पे बोलते हैं ना, कि वो फाइनेंशियली कुछ उनको विरासत में नहीं मिला, उन्हें सब सेल्फ मेड है, अपने आप बनाया है सारा उन्होंने अपनी, तो वो तो सेल्फ लर्नर, सेल्फ मेड जो हो गया, ये किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है, दोनों का मतलब इंडिपेंडेंट, शुरू से ही इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के सहारे पे नहीं चलते। ठीक है, इन लोगों का एक स्पेशल वो होता है कि ऐसे लोग ना तंत्र मंत्र पे बहुत विश्वास करते हैं। सर एक चीज यहाँ पूछनी थी, ये तंत्र मंत्र में गॉड की पूजा नहीं आती है, ये वो वाला तांत्रिक विधि आती है ये? मैडम बिना शिव के तंत्र होता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दो कि तांत्रिक विद्या अलग है और सात्विक विद्या अलग है। ये तांत्रिक विद्या का जो परसेप्शन और पिक्चर दिखाया गया ना, ये पूरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, काला जादू, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या लोग दिखाते हैं। You mean to say कि वो पूजा में विश्वास रखते हैं? Yes, तंत्र मतलब ये होता है कि आप किसी काम में एक निष्ठा के साथ साधना करते हैं, दैट इज कॉल्ड तंत्र। ओके, हम पूजा करते हैं, रोज आरती उतारते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, धूप दिखाते हैं, ये है नित्य कर्म। ओके, और जो इंसान साधना करता है, साधक होता है, इस शरीर को तंत्र बनाता है, वो होता है तांत्रिक। और इनका जो इनका प्रोफेशन होता है ना, मल्टी होता है, मतलब कि दो तीन अलग, तीन चार विद्याओं से वो नॉलेज होता है उनका, और उनका प्रोफेशन भी तीन चार होते हैं, दो तीन अलग अलग तरह के प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मतलब सर ये दे कैन बैलेंस टू थ्री प्रोफेशंस वेरी वेल एट द सेम टाइम। यस यस यस, तो ये हो गया कंप्लीट।